अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं धूम प्लस न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। खबरों का आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर रहीम नवाज कोपांग की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बज़दार ने हज़रत हमीदुद्दीन हाकिम सर्जिकल कॉम्प्लेक्स शेख जैद मेडिकल कॉलेज हस्पताल का भी संगे बुनियाद रख दिया। यह मंसूबा 7.6 एकड़ अराजी पर तामीर होगा। उस्मान बज़दार वज़ीर आला उस्मान बज़दार ने ज़ाहिर पीर रहीम यारखा में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत पायलट प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद रखा। मंसूबे के तहत ज़ाहिर पीर रहीम यारखा में मेडिकल सेंटर बनेगा। वज़ीर आला उस्मान बज़दार की तीनों मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शोबा हेल्थ की बेहतरी के लिए हमारी हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया है। उस्मान बज़दार का कहना था, कौमी सेहत कार्ड पंजाब के हर ख़ानदान को मिल चुका है। 400 अरब रुपए का ये मंसूबा अपनी मिसाल आप है। सियासी इंतजामी टीम को शोबा सेहत की बेहतरी के लिए इकदाम पर शाबाश देता हूँ। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हाउसिंग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला उस्मान बज़दार को CEO इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब ने नए मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए धूम प्लस न्यूज़।